नमस्कार। झारखंड विधानसभा सत्र के ठीक एक दिन पहले सभी दल अपने अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय में हैं, जहां बैठक और विधानसभा जो सत्र चलेगा उस दौरान हो रही जो रणनीति बन रही है उसकी तैयारियां चल रही हैं। झारखंड में कई मुद्दों पर जब से ये सरकार बनी है तब से लगभग 1 साल 8 महीने का समय बीत चुका है और तब से लगातार कई मुद्दे मिले हैं जिस पर भाजपा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही है। एक बड़ा मुद्दा रोजगार का है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम समस्याएं आती रही हैं। इन तमाम मुद्दों पर इस वक्त भाजपा कार्यालय में भाजपा विधायक दल की बैठक चल रही है। कल से सत्र शुरू होने वाला है, देखना यही होगा किस तरह से इन मुद्दों को लेकर भाजपा भुनाती है। सत्र जब पिछली बार चला था तब भी रोजगार का मुद्दा उठाया गया था, कई और मुद्दे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठे थे। साथ ही ये बात आ रही थी कि जिस तरह से कई सुदूर जिलों में, जो रांची से बहुत दूर जिले हैं, वहाँ जो समस्याएं आ रही थी, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर थी या रोज़गार को लेकर रही हैं या बाकी मुद्दे रहे हैं, क्या भाजपा उन मुद्दों को भुनाने के लिए तैयार है, इसी चीज़ को लेकर इस वक्त बैठक चल रही है। तमाम विधायक पहुंच चुके हैं और कल से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। इस वक्त जब यह सब कुछ हो रहा है, इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने अपने 1 साल 8 महीने का समय पूरा कर लिया है। यह वो दौर है जब सरकार ने नियुक्ति का वादा किया था और कहा था कि ये 2021 का वर्ष नियुक्ति वर्ष होगा। अभी से ठीक कुछ देर पहले द फॉलोअप की खबरें आपने देखी होंगी, जब जेटेड अभ्यर्थी मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास के पास बैठे हैं और धरना दे रहे हैं, रात भर वहीं बैठने की बात कर रहे हैं। कुछ देर और पीछे चलते हैं, मुख्यमंत्री के हेमंत सोरेन के जन्मदिन पर भी इसी तरह से तमाम जितने संगठन हैं वो सब एकजुट हुए थे और रोज़गार के मसले पर उन्होंने कहा था कि हम एक साथ मांग करते हैं। इसके पहले भी मांग होती रही हैं, आंगनबाड़ी सेविकाएँ हैं, संयोजिकाएँ हैं, पारा शिक्षक हर के पास जो कि मांग को लेकर काफ़ी कुछ हो चुका है, लेकिन बाकी सभी चीज़ें एक सिरे से रुकी हुई हैं, अटकी हुई हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार जिस वादे के साथ आई थी उसको पूरा किया जाए। बहरहाल ये एक तरफ चीज़ें जो समस्याएं हैं, देखना यह भी होगा कि विपक्ष उन चीज़ों पर कितनी ज़ोरदार तरीके से, कितने पुरजोर तरीके से सामने आ सकती है और सरकार को मजबूर करती है, क्योंकि यही विपक्ष की भूमिका होती है, लोकतंत्र में भूमिका यही होती है, यही अहमियत भी होती है। अब जब विपक्ष सरकार को घेरने का प्लान बना रही है तमाम मुद्दों पर, दूसरी तरफ कई छात्र संगठन भी हैं जो आंदोलन करने का मूड बना रहे हैं और कह रहे हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान हम जाकर विधानसभा के पास जाकर प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को फिर से उठाएंगे। रोजगार के अलावा बाकी चीज़ें भी, बालू ढुलाई की बात करें या ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात करें, उन तमाम मसलों पर जब आप पीछे का एक दौर देखेंगे तो भाजपा की तरफ से, चाहे वो विधायक दल के नेता बाबूराव मरांडी हो, प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर प्रवक्तागण हो, सभी ने एक एक करके कई मसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, बातचीत रखी है और हालिया जो मुद्दा है फिर से HEC DVC और इस बीच में जो केंद्र और राज्य के बीच में जो टकराव देखने को मिला है वो चीज़ें फिर से गर्म होने लगी जब 714 करोड़ रुपये केंद्र ने राज्य की राशि से काटे हैं। इन चीज़ों के ये जो रास्ता वो कहाँ जाएगा, और ये तब है जब HEC की बिजली काटी जाती है और राज्य में उद्योग के निवेश के लिए हेमंत सोरेन दिल्ली पहुँचते हैं। ये सभी चीज़ें विरोधाभास की तरफ भी जाती हैं। इन चीज़ों को लेकर भाजपा के पास क्या रणनीति है, दूसरी तरफ कांग्रेस और JMM सभी पार्टियां अपनी अपनी बैठकें कर रही हैं, देखना ये होगा कि इन बैठकों के बाद और आज जब कल से सत्र शुरू होगा तो क्या राज्य के हित के लिए लिए जा रहे फैसलों पर या जो समस्याएं हैं क्या उसका निदान निकल पाएगा, और अगर ये होता है तो इसमें कितनी भूमिका विपक्ष निभा पाती है, यह सब कुछ अभी से थोड़ी देर बाद जब हम ये बैठक खत्म हो जाती है और जब ब्रीफिंग होती है तो हम आप तक रूबरू करा पाएंगे आपको कि क्या तैयारियां भाजपा की तरफ से हैं, विपक्ष क्या कुछ कोशिश कर रहा है और वो कौन से मुद्दे हैं जिनको भुनाने का प्रयास किया जाएगा, शायद जिन मुद्दों का रास्ता विधानसभा सत्र के बाद से निकल सकेगा। इंतजार आपको भी है, हमें भी है, हम देखते हैं कि यहाँ से किस तरह की चीज़ें जाती हैं। नमस्कार।